नमस्कार दोस्तों, और नव्य रसोई में आपका स्वागत है। और आज नव्य रसोई के अंदर बनेगा कुछ खास रेसिपी। नमक पारा बनाएंगे आज, और इतना खास जो होली स्पेशल व शीतला सप्तमी स्पेशल त्यौहार स्पेशल होती है, और इन पे ज़्यादा ही बनाते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई तो मैं बनाऊंगी आज नमक पारे। गर्मियों में बच्चों के लिए कुछ तो कुछ खाने के लिए चाहिए, तो बच्चे बोल रहे थे भाई मेरे लिए ये बनाओ, नमक पारे बनाओ। बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए, इंजॉय करने के लिए रहना चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ नमक पारा। मैं 1 किलो मैदा ली हूँ, और 1 किलो मैदा को छान के और एक परात के अंदर निकाल ली हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सबसे अच्छी वाली चीज़ जो इनका मेन है, अजवाइन। अजवाइन इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, और अजवाइन जी बहुत अच्छे टेस्टी लगेंगे। नमक पारा भी बोलते हैं इसे, हमारी साइड में मटर भी बोलते हैं। और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठे सोडे से एकदम ये फूल जाएंगे और अच्छे कुरकुरे टाइप में बन जाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, और इतने टेस्टी नमक पारा बनाएंगे। मेरी रेसिपी की स्टाइल में आप नमक पारा एक बार बना के खाओगे तो बार बार बना के खाने का मन करेगा आपका। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल भी ऐड कर सकते हो, और इसके अंदर भी घी भी ऐड कर सकते हो, आप अपने स्वाद अनुसार कुछ भी ऐड कर सकते हो। मोइन इतना देना है कि बिल्कुल सॉफ्ट नमक पारे बन के तैयार हो जाए, इतना मोइन देना है इसके अंदर। अब मैं इसे मिला दूंगी अच्छी तरह से, बिल्कुल मिक्स कर दूंगी। मार्केट में नमक पारे लेने जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के और आटे को गूंथ लेती हूँ अच्छी तरह से। बिल्कुल सॉफ्ट व मुलायम आटा गूंदना है, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा करके पानी डालना है इसके अंदर। आटा नरम नहीं गूंदना, आटा को बिल्कुल टाइट गूंदना है और बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है। अब इसके थोड़ा सा पानी लगा के और इसे और गूंद लेती हूँ। अब इसे इकट्ठा करके रख देती हूँ। देखिए आप, नमक पारे का आटा एकदम सॉफ्ट गूंद के तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट। नमक पारे बनाने के लिए मैं आटे की छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ इसे छोटी छोटी साइज में। ये मैं थोड़ा तेल ली हूँ, थोड़ा सा तेल लगा के और आटे की लोई बना लेती हूँ मैदा के आटे के नमक पारे बनाने के लिए। इतने टेस्टी मैदा के नमक पारे बनते हैं, फिर दुकान पे लाके खाते हैं, वैसे के वैसे आपको बना के दिखाऊंगी। और दुकान वाले का कोई भरोसा भी नहीं है, दुकान वाले कब का तेल और कब की मैदा काम में लेते हैं। और घर पे बच्चों को बना के दे तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और सुबह शाम चाय के साथ, बच्चे हो बड़े हो सब चाय के साथ खा सकते हैं। अब मैं इसे बेल ली हूँ, लोई बना के इसे बेल ली हूँ। अब चक्कू की सहायता से इसे कट करूँगी, एकदम पतली साइज में बेला है और पतली साइज में कट करूँगी, सीधी लाइन से कट करूँगी। एकदम दुकान स्टाइल में बना के आपको बताऊँगी मैं। अब खड़ी साइज में कट कर ली, अब तिरछे साइज में कट करूंगी मैं। एकदम आसान है नमक पारा बनाना। सभी मटरों को मैं एक थाली के अंदर निकाल लेती हूँ। मटर भी बोलते हैं इसे, नमक पारा भी बोलते हैं इसे। अब मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ, सभी को एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ, और एक सूती कपड़ा लेके और सूती कपड़े पे सुखा देती हूँ। फैला दूंगी एक एक को, थोड़ा सुखाना है इनको, चेंज करते रहना है इसे थोड़ी थोड़ी देर पे।
इतनी टेस्टी नमक पर अवन के तैयार होता है। सुबह शाम आराम से चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अब मैं सभी को एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ और कढ़ाई में तेल गरम करके, अभी से बहुत गरम हो गया तेल, मैं पहले से रख रखी थी गरम करने के लिए। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल देती हूँ इसके अंदर। क्या कितने अच्छे कितने टेस्टी नमक पारे बनके तैयार हुए हैं। कट कर रही थी जब ही तेल को गरम रख दी थी, तेल गरम हो गया अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें तेल अच्छा गरम होना चाहिए। देखिए वाव कितने अच्छे कितने टेस्टी नमक पारे बनके तैयार हुए हैं, एकदम दुकान स्टाइल में नमक पारे बनके तैयार हुए हैं। मिनटों में बन जाने वाले नमक पारे घर पे बनाना एकदम आसान है, जो मिनटों में बन जाएंगे। देखिए आप इतना इसका कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन कलर हो गया। अब इसे मैं निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि जलने पे फिर अच्छे टेस्टी नहीं लगेंगे, जल जाएंगे। तो इसे इस कंडीशन में ही निकालना है। ये बहुत अच्छे, वाओ कितने अच्छे नमक पारे बन के तैयार हुए हैं। देखिए आपको तोड़ के मैं दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट टूटेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं नमक पारा। एकदम आसान तरीके से आपको नमक पारा बना के दिखाई हूँ। देखिए आप कितने टेस्टी कितने अच्छे फ्लेवर वाले नमक पारे बन के तैयार हुए। एक बार आप भी बना के ट्राई कीजिए। मेरा मिशन है आपको आसान से आसान ट्रिक बताना, आपका मिशन है मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।